हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और फिर से हम ऑनलाइन क्लासेस में आ गए हैं। तो आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। और 10.1 एक्सरसाइज बहुत आसान है, लेकिन फिर भी इसको स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में 10.1 एक्सरसाइज भी कम्प्लीट करेंगे और उन सभी बेसिक पॉइंट्स को भी कम्प्लीट करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स बना लिए हैं जो हमें चाहिए थे उन पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक सर्कल के बारे में कि सर्कल क्या होता है, बिकॉज हमारे चैप्टर नंबर 10 का नाम ही क्या है, सर्कल्स। अगर हम बात करें अपने सर्कल की, तो उसकी डेफिनेशन आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यह आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करनी है। सर्कल क्या है, अगर देखो हम अगर अपनी स्क्रीन पर देखें तो ये स्क्रीन क्या है, प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे अनलिमिटेड पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपने कोई एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर। अब उस 4 सेंटीमीटर में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, उस फिक्स पॉइंट से 4 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, उन सबको कलेक्ट कर लीजिए। जब आप उन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा एक सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी से फिर एक डेफिनेशन बनी, दैट्स इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से आपको सभी पॉइंट्स को कलेक्ट करना है जिनका डिस्टेंस भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा हमारे उस फिक्स पॉइंट से। और उस पूरे प्लेन को जो बनेगा प्लेन, उसे हम क्या नाम देंगे, सर्कल। और जो आपने पॉइंट को फिक्स किया था उसका नाम हो जाएगा सेंटर, और जो आपने डिस्टेंस नाम दिया था, ठीक है, और जो आपने नाम दिया था डिस्टेंस, जितना भी आपने डिस्टेंस लेट किया था वो आपकी क्या बन जाएगी, रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को सर्कल की डेफिनेशन, सेंटर की डेफिनेशन और रेडियस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इनकी भी डेफिनेशंस लिखनी है। मैंने इनकी डेफिनेशंस ऑलरेडी लिख दी है स्क्रीन पे, थोड़ी देर बाद आपको दिखा दूंगा। वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से लिख लेनी है, और ये डायग्राम्स भी आपको नोटबुक में बनाने, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ऑलरेडी, जो मैं बना चुका हूँ, जो लिख चुका हूँ, वो आपको लिखना है। अब जो भी मैं स्क्रीन पे चेंजेस करूंगा वो नहीं लिखनी है, क्योंकि आपको क्या है, सिर्फ समझाने के लिए किए जाएंगे। नाउ अगर हम बात करें हमारे सर्कल की, अगर मैं सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट ले लूं, फॉर एग्जांपल ए बी ले लिया या पी क्यू ले लिया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को हम क्या नाम देंगे, कॉर्ड। अब आप देख सकते हो कॉर्ड आपके सर्कल को क्या कर रहा है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये आपके सर्कल के एरिया को भी डिवाइड कर रहा है, और जो आपकी सर्कमफ्रेंस है इसे भी डिवाइड कर रहा है इन टू पार्ट्स। तो पहले सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं। जब आपकी कॉर्ड आपके सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमफ्रेंस, ठीक है, तो आपके पास दो अलग अलग पार्ट्स बन जाते हैं सर्कल के। तो अगर मैं बात कहूँ, जो पार्ट्स बन गए हैं सर्कल के, अगर जो छोटी लेंथ वाला पार्ट है उसे नाम दिया जाएगा माइनर आर्क, ठीक है, द पार्ट ऑफ द सर्कल ऑफ स्मॉलर इन लेंथ इज नोन एज माइनर आर्क। और अगर उसी के अपोजिट हम बात करें जिसकी लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी, तो उसे नाम दिया जाएगा मेजर आर्क, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एरिया के अकॉर्डिंग। अब इस कोड ने हमारे सर्कल के एरिया को भी टू टाइप्स में ब्रेक किया है, ठीक है, टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्या कहेंगे, द रीजन enclosed between the arc, the region enclosed between the chord and either of the arc, chord और arc के बीच में जो आपका region है यानी कि area है, उसे क्या नाम दिया जाता है, segment। अगर वो area आपकी minor arc से मिलकर बना हुआ है तो उसे नाम देंगे minor segment, और अगर वो area आपकी major arc से बना है तो major segment नाम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये तो बहुत ही इजी से कंसेप्ट है, आपको इजी तरीके से समझ आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर भी एक तरीके का क्या है, एरिया ही है। सेक्टर किस तरीके से बनता है, जब आपकी दो रेडियस
आपके सेंटर और आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, और फिर एक आपको एरिया नजर आएगा, उस एरिया को नाम दिया जाता है सेक्टर। तो यहां पर भी डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी लगभग सेम रहेगी। अगर माइनर आर्क के साथ रेडियस ने एरिया को एनक्लोज्ड किया है तो वो क्या बन जाएगा, माइनर सेक्टर। और अगर आपकी मेजर आर्क के साथ आपकी रेडियस ने एरिया को क्या किया है, एनक्लोज्ड, तो वो बन जाएगा मेजर सेक्टर। वेरी सिंपल। ये सभी चीजें मैंने क्या किए हैं, पहले से ही डिफाइन करके लिख दी हैं। तो सर्कल की डेफिनेशन तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, और ये जो बाकी हमारी डेफिनेशंस बची हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी फेयर नोटबुक में आपको बिल्कुल अच्छे से इसे नोट डाउन करना है। सर्कल की डेफिनेशन, कोर्ड, आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है, सर्कल तो आप पहले से ही ले चुके होंगे या अभी भी आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके रोक कर और फिर अपनी फेयर नोटबुक में या रफ नोटबुक में से नोट डाउन कर लो। ठीक है, आई थिंक मेजर सेगमेंट तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बाकी के बचे हुए जो एक दो डेफिनेशन हैं उनको दिखा देते हैं। तो हमारे जो बाकी की बची हुई हैं वो कौन सी हैं, सेक्टर, और सेक्टर के अंदर फिर हमारा मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर आएगा। और ये रही हमारी बाकी की डेफिनेशन सेक्टर की, सेक्टर, माइनर सेक्ट में माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप नोट डाउन अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1 की तरफ। 10.1 में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखोगे तो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द डैश ऑफ द सर्कल। अब देखिए ये हमारा सर्कल है, हमारा सर्कल प्लेन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तो बाहर वाला जो आउटर साइड रह गया जिसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर, एक सर्कल के अंदर और एक सर्कल की बाउंड्री लाइन, तो थ्री पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दिया। अब जो सर्कल का सेंटर होता है वो कहाँ है, अंदर की तरफ है, तो क्या सा पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट या एक्सटीरियर, तो हम कहेंगे इंटीरियर, तो आंसर क्या आ जाएगा, इंटीरियर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद कहता है अ पॉइंट हूज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। अब मान लीजिए मेरे सर्कल की रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या कहा, ऐसा पॉइंट जिसकी जिसका डिस्टेंस क्या है, रेडियस से ज्यादा है। तो अगर 5 सेंटीमीटर भी होगा तो 5 सेंटीमीटर तो बाहर चला गया सर्कल के, तो वो कैसा पॉइंट है आपका, एक्सटीरियर पॉइंट है। तो आप आराम से उसका आंसर लिख सकते हो, एक्सटीरियर। ठीक है, द लॉन्गेस्ट कोर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर, इसमें तो कोई आपको टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, डायमीटर, क्योंकि वो तो आपको डेफिनेशन में भी मैंने बताया था कि द लॉन्गेस्ट कोर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। उसके बाद क्या है, एन आर्क, एन आर्क इज डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ अ डायमीटर। तो स्टूडेंट्स एक आर्क क्या कहलाएगी अगर उसके एंड आपके डायमीटर से ज्वाइन होंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। अब ये अगर आपका डायमीटर है और इस आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं वो आपके क्या कर रहे हैं, डायमीटर से ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हम इसे बोलेंगे सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। जो सेगमेंट है वो किस किस के बीच में होता है, हमें पता है आर्क एंड कोर्ड के बीच में हमारा सेगमेंट बनता है। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स, जैसे अभी मैंने पहले बताया था आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, इन थ्री पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन कैसा है, ट्रू फॉल्स, तो हमें इसमें ट्रू फॉल्स बताने पड़ेंगे। और हाँ, इसे आपको फेयर नोटबुक में करना है। बाद में कुछ बच्चे पूछते हैं क्या हमें ये बुक में करना है या नोटबुक में करना है, तो स्टूडेंट्स ये आपको फेयर नोटबुक में करना है, फिल इन द ब्लैंक्स प्लस ट्रू एंड फॉल्स। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो इन्होंने क्या कहा, लाइन सेगमेंट, कोई भी एक ऐसे लाइन सेगमेंट जो सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दे, क्या वो रेडियस है, दैट्स वाई आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है ना, क्यों,
देखो अब ये सर्कल है, ये इसका सेंटर। अब सेंटर को अगर आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन कराओगे तो वो तो रेडियस ही कहलाएगी, सिंपल। अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्ड्स, एक सर्कल के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ कोर्ड्स हो सकते हैं जो इक्वल होंगी, तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? फॉल्स, बिकॉज देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोर्ड्स विच हैज इक्वल लेंथ। ठीक है, अगर आपको रीजंस भी लिखने हो तो आप इसमें रीजंस लिख सकते हो। ओके, इफ अ सर्कल इज डिवाइड इंटू थ्री इक्वल आर्क्स, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इंटू थ्री इक्वल आर्क्स, ईच इज मेजर आर्क। देखो अगर ये आपने क्या किया, सर्कल को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और तीनों आर्क क्या है? सेम है। क्या तीनों ही आर्क आपकी मेजर आर्क दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे? तो आप कह सकते हो फॉल्स। तो आंसर क्या रहेगा आपका? फॉल्स। ठीक है, और रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज इट्स ऑल थ्री आर्क्स आर माइनर आर्क, क्योंकि वो सारी क्या है? माइनर आर्क है बच्चे। ठीक है, और पहले वाले का जो सेकंड पार्ट था उसका रीजन क्या लिखोगे? इट हैज इनफाइनाइट, कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्ड्स, सर्कल के पास इनफाइनाइट कोर्ड्स हो सकते हैं जिनकी लेंथ क्या है? इक्वल। और लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल, ये ट्रू, इसका कोई रीजन देने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो खुद ही अपने आप में क्या है? एक डेफिनेशन है हमारी रेडियस की। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पार्ट, अ कोर्ड ऑफ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, अ कोर्ड ऑफ अ सर्कल, तो आंसर क्या रहेगा? ट्रू, बिकॉज अगर कोई कोर्ड आपके पास आप दिखा भी सकते हो, डायमीटर इज द कोर्ड ऑफ द सर्कल एंड ये क्या होती है? रेडियस की डबल होती है। रेडियस की डबल सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकता है? डायमीटर, और अगर डायमीटर आपका एक कोर्ड हो सकता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोर्ड एंड इट्स कोरस्पोंडिंग आर्क, सेक्टर तो नहीं होता है ये, ठीक है, तो आंसर में क्या आ जाएगा? फॉल्स आएगा। क्या आएगा बच्चे? फॉल्स, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सेक्टर और जो हमारा कोर्ड और आर्क के बीच में आता है उसे क्या कहते हैं आप? सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, बिकॉज रीजन बिटवीन कोर्ड एंड आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। ओके, उसके बाद अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, आंसर क्या रहेगा? ट्रू, ठीक है, क्योंकि सर्कल क्या है? एक प्लेन फिगर होता है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का काम यहीं पर फिनिश होता है, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।